अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 जनरल मैथ्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमने फाइंड करना है पी ऑफ 1, मतलब हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और हमने एक्स की वैल्यू जो है वो 1 लेनी है। तो अब हम करेंगे पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है। मतलब यहाँ एक्स है तो 1 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है तो हम भी एक्स की जगह 1 ले लेंगे और उसका स्क्वायर। माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास 1 है, और प्लस 6, इसके साथ कोई एक्स नहीं है तो लिहाजा हम भी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं लगाएंगे एक्स की। डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, मतलब एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, ये हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो 1 प्लस 1, सो पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 5 अनुसार 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो पी ऑफ 1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस का 1 और माइनस का 5। तो 1 और 5, 5 बड़ा है 1 छोटा है, तो साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा, साइन जो है वो टर्म से पहले होता है उसका, तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ी टर्म है 1 से और 1 छोटी है, तो लिहाजा इसका साइन माइनस का है, साइन माइनस का आएगा। और जब डिफरेंट साइंस हों, मतलब प्लस माइनस हों या माइनस जो भी हो, डिफरेंट साइन होने चाहिए, तो हम उन टर्म्स को माइनस करते हैं। तो 5 में से 1 माइनस किए 4, ये हो गया सॉल्व। अब हमारे पास है प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे देखिए, माइनस का 4 है, प्लस का 6 है, बड़ी टर्म यहाँ पे है प्लस की है, छोटी टर्म जो है माइनस की है, तो साइन प्लस का आएगा। करेंगे माइनस, तो 6 में से 4 माइनस किया आया 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 मीन 1 आपके पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। अब हमने जो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, पी ऑफ 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे पी ऑफ, चले पहले एक्स, ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है वो लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1। अब हमने क्या कंडीशन लगानी है, पी ऑफ 2 लगानी है, ये फाइंड करना है। तो पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू एक्स, मतलब अब 2 वैल्यू लगानी है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 4, 4 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टू ज़र 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस का 4 है माइनस का 10 है, तो माइनस का साइन आएगा, और ये प्लस का 4 है माइनस का 10 है, बड़ी टर्म 10 है छोटी टर्म 4 है, तो बड़ी टर्म का साइन ये वाला है, इसका ये वाला है, तो बड़ी टर्म 10 है तो साइन इसका आएगा माइनस का, करेंगे माइनस क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं। तो 10 में से 4 माइनस के 6 आ गया, और ये प्लस का 6, ये मान से इसको सॉल्व करके आया हमारे पास, ये इसको सॉल्व करके आया, और ये प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो माइनस 6 और ये प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखें, सेम नंबर हों लेकिन साइन उनके डिफरेंट हों, सेम नंबर हों, ठीक है, 6 है और ये भी 6 है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 0 आएगा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। देखें, अगर हमारे पास 0 ऊपर हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो आंसर 0 आएगा। अगर बिलफर्ज ये 3 ऊपर होता न्यूमरेटर में और ये 0 डिनोमिनेटर में होता तो अब ये अनडिफाइंड होगा, मतलब कोई आंसर नहीं उसका।
अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे. पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, देन फाइंड पी ऑफ आर फॉर आर इज इक्वल टू 3, पाई इज इक्वल टू 22/7. ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. अब हमारे पास जो है वो ये फाइंड करना है पी ऑफ आर 2 पाई आर. तो अब हमने जो वैल्यूज़ लेनी है आर की, जो वैल्यू लेनी है इस सवाल के लिए वो हमने 3 लेनी है. तो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 जो क्वेश्चन के अंदर है, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर. आर हमारे पास क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 44 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3. तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 44 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं. फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई 7 ये आ गया 6.28. 6.28 मल्टीप्लाई बाय 3. अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इज इक्वल टू 18.8 इक्वल टू 18.8. अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद आपने अगर इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, होल नंबर को जो कि पॉइंट से पहले होता है होल नंबर, इस पॉइंट के बाद आप पहला डिजिट देखें 8 है जो कि 5 से बड़ा है. 5 अगर हो, 5 हो या 5 से कोई बड़ा डिजिट हो, तो हम जो पिछला जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, जिसको शॉर्ट करना है हमने, उसमें हम क्या करेंगे वो 9 हो जाएगा. मतलब अगर ये 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो जो पिछला नंबर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं. मतलब 18 है तो उसमें प्लस 1 करेंगे तो 19, और इसको अपने लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा.